देखिए T20 ब्लास्ट, ठीक है, अब जो भी क्रिकेट देखता है और उस कुछ समझता है, ठीक है, ये पूरा हैफ हैजार्ड मैनर में ये करते हैं। एक ही दिन में पांच पांच छह छह मैचेस होते हैं, और कहीं ना कहीं हमको इसमें क्या फायदा है, हम कौन सी टीम पकड़ के रख सकते हैं, ये सारी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो मेरा थोड़ा इस टाइप का ही होगा क्या ना, बिकॉज इनके पास स्क्वाड बहुत बड़ा होता है, कोई प्लेयर खेलता है कोई नहीं खेलता, कोई इंटरनेशनल चला जाता है, जैसे एशेज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा तो वो लोग फिर नहीं खेलेंगे। तो सिंपल फॉर्मेट है, पहले आइए ग्रुप की बात की जाए, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बस जितना मालूम है उतना बताऊंगा, मेरी सारी चीज स्टार्ट में ही सुन लीजिए ताकि जिसको नहीं सुनना हो वीडियो ना सुने, ठीक है। इसमें दो ग्रुप होता है, दोनों ग्रुप में आपस की टीम आपस में मैच खेलती है, ठीक है। और होगा क्या, जैसे कि तो जैसे एसेक्स ने आपका कैंट से खेला मिडल, इसमें ऐसा है कि 14-14 मैच ही होता है, चाहे जैसे भी होता हो, जैसे देखा जाए तो एक टीम एक ग्रुप में 9 टीमें हैं, तो 8-8 करोगे तो 16 मैच उसको खेलना चाहिए, है ना, बट वो 16 नहीं खेलती, 14 खेलती है, किसी एक टीम के साथ 2 मैच नहीं खेलती, किसी 2 टीम के साथ, ऐसा ही नाटक चलता रहता है, उन सबसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज खाली कुछ बेस बात बताऊंगा, मेरा जो ट्रिक है इस बार का साल का पूरे टूर्नामेंट में काम कर रहा है, जो टीम लास्ट ईयर चैंपियन बनी है वही इस साल चैंपियन बन रही है। आप पर्थ उठा के देख लो, गुजरात जायंट्स उठा के देख लो, अभी वो पहुंच तो गई है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर जीत भी नहीं जाएगी तो भाई एंड तक तो जाएगी, अपन अगर गुजरात को पकड़ के बैठते तो पैसे तो बनाते हैं ना। अब इसके अलावा आप कोमिला विक्टोरियंस को देख लो, जितने भी टूर्नामेंट्स, न्यूजीलैंड वाला जो टूर्नामेंट हुआ शायद नॉर्दर्न नाइट्स में जीती थी, तो लास्ट ईयर जो जीत रहा है उस साल जीत रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी हैम्पशायर किधर गई, हैम्पशायर के साथ आपको रहना है, और प्लस जेम्स विंस मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, मैं उसका डाई हार्ट फैन हूं, और मैं समझता हूं हैम्पशायर फिर से जाना चाहिए, तो मेन टीम आपको बता दिया हैम्पशायर, ये मेरे ट्रिक के हिसाब से, बाकी जो होगा देखा जाएगा। 14 मैच खेलना है फिलहाल के लिए, मैं हैम्पशायर बोल रहा हूँ, बाकी कोई अपडेट होगा, कोई बड़ा प्लेयर इंजर्ड हो गया कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा आफ्टर 1 और 2 मैच, ठीक है। एक बार मैं सारी टीम वगैरह देख लूँ, उसके बाद हो सकता है डेली वीडियो आपके लिए बना दूँ, जहाँ पे लास्ट प्रीवियस प्लेइंग 11 के हिसाब से टीम बताऊंगा कौन प्लेयर मैं जैकपॉट उड़ा सकता है, कौन डिफेंड टीम हो सकती है, अभी बताना थोड़ा दिक्कत होगा। और दूसरा ट्रिक मेरा लास्ट ईयर भी आपको बताया है, एक दिन में 5-5 मैच होते हैं, जो उस दिन का लास्ट मैच होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 मैच आपके रात के 10 बजे शुरू हुई, ठीक है, जो मैच लास्ट में खत्म होगा वो जैकपॉट होता है। अब वो क्यों होता है मेरे को नहीं मालूम, मैंने जब पूरी दुनिया सो जाती है तो मैच जैकपॉट होता है, मैंने पहले भी बताया, जो मैच कोई ध्यान नहीं देता वो जैकपॉट उड़ जाता है। तो इसी ट्रिक से मैं बोल रहा हूं, जब बंदे सारा पैसा वगैरह लगा के इधर उधर हो जाते हैं तो जो लास्ट मैच होता है, आप देखा करो कभी 10 बजे मैच शुरू ना, एक मैच 10:30 बजे शुरू हो गया, 10 से 11 हुआ, थोड़ी बारिश हो गई, या तो वो थोड़ा स्लो कर रहे हैं, इस बीच कोई एक दो मैच आपको सामने दिख रहा है भाई ये तो खत्म हो गया, और लास्ट वाला मैच आपका जैकपॉट उड़ जाता है, आप देखना इस साल भी नोटिस करना, क्योंकि बंदे पहले ही खत्म हो जाते हैं और ऐसा दिखा जाता है भाई वाला मैच तो जैकपॉट हो गया मैं नहीं लगा पाया। तो आपको बहुत समझदारी से खेलना है, जो भी चीज मैं बता रहा हूं वो आप गौर कर लीजिएगा, इस पूरे टूर्नामेंट होते मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक बात, अब आइए टीम्स की तरफ बढ़ते हैं, मैंने नहीं देखा अभी तक एक भी टीम नहीं देखा, मेरे को जो मालूम होगा बताऊंगा और फिर प्लेइंग 11 के हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टाइमिंग तो देख लीजिए, पूरा हैफ हैजार्ड है आपका, टेलीकास्ट सोनी लीव पे दिखा रहा है, और 127 मैच है, ठीक है। और लगभग इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लगभग सब आपको मिल जाता है ना, आप सब में एंट्री मार सकते हो, आपको मैं बता दूंगा कैसे कैसे, ठीक है। खाली मेन प्लेयर की बात करूंगा, इधर उधर के प्लेयर की बात नहीं करूंगा, ठीक है। कुछ चीजें जो मेरे को पता है वो बताऊंगा, और कुछ प्लेयर्स के नाम बताऊंगा, और बाकी पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। कॉलिन इनगाम अब बूढ़े हो चले हैं, बट फिर भी दम रखते हैं सिक्स हिटिंग कैपेबिलिटीज़ वगैरह का, ठीक है। डेविड लॉयड इनके अच्छे क्रिकेटर हैं, रन वगैरह बनाते हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो इंग्लैंड में क्या है ना, पिचेस काफ़ी कई बार काफ़ी आसान होती हैं, तो बहुत मोटे मोटे रन बन जाते हैं। माइकल नेसेर ये बॉल से आपको विन, आप बोल सकते हो विन होते हुए दिखेंगे, अभी भी 7 विकेट लिया था टेस्ट में, उसके पहले भी BBL में इन्होंने काफ़ी विकेट लिए हैं, माइकल नेसेर वही है, बहुत ही स्विंग कटिंग बॉलिंग करता है, और कहीं ना कहीं एक स्टार्ट में ही आपको विकेट लेकर के मैच पलट सकता है, 140 रन चाहिए सामने वाली टीम आई है, आते ही 2-3 विकेट ले लेता है, तो ये ऐसा बॉलर है, ठीक है। डैनियल डाउट हुए थे, बहुत मोटा मारता है, ठीक है। अभी सब कुछ प्लेयर्स हैं, अब इनका दिन कैसा चलेगा वो देखना पड़ेगा, बट आखिरी में कुछ कम बॉल पे ज्यादा चाहिए तो आप रिस्क उठा सकते हो। बाकी टीम में कोई दम नहीं लग रहा, टीम वैंडर कटन ये सब नेदरलैंड्स के क्रिकेटर हैं, ओके क्रिकेटर हैं, तो कोई ऐसा सच कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। और अगर आप रिकॉर्ड उठा देखोगे ना T20 ब्लास्ट का, तो सब कुछ बेकार है, लास्ट ईयर जो जीती है उसके पहले वो टीम नहीं जीती है, उसके पहले कोई दूसरी टीम जीती है, उसके पहले किसी और का ही फाइनल हो रहा है, तो ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो ये कोई खास टीम नहीं है, ना ही मैं मेरे को कुछ समझ में आ रहा है इस टीम में, ठीक है। तो कुछ करने भी नहीं वाली, आपको मैं जो मेरे को मालूम है वो बताऊंगा, ठीक है। अब आती है इनकी एसेक्स की टीम, देखा जाए तो माइकल पेपर का नाम याद रखिएगा, लास्ट ईयर भी मैंने बोला था प्रदर्शन इसका अच्छा नहीं रहा था, बट दिस गाय इज अ मैच विनर, एक साल अच्छा हो जाने से कुछ नहीं होता, नहीं अच्छा जाने से कुछ नहीं होता, आपको मैच विन करते दिखेगा। रॉसिंगटन को आपको मालूम है थोड़ा मोटा सा है और मोटा मार के देता है, सीधी बात है, इसका बॉल नॉट रहने से आप कर सकते हो, और ये अपने दिन पे नंगा कर देता है सामने वाले को, बहुत बड़ा। मेरे को जो फाइनल वाली पारी है ना साउथ अफ्रीका T20 की, इतनी स्लो पिच पे बंदे ने इतना मारा था ना, उस दिन मैं इसका फैन हो गया था, ठीक है। इसके अलावा पॉल वॉल्टर लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर और नीचे में बहुत मोटा मारता है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा हिटर है, बहुत लंबे कद का है, और ये आपको मैच विन करते हुए मिलेगा अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। सीमन हार्मर वापस आ गए हैं, ठीक है, यहां पे अभी साउथ अफ्रीका में थे, ये ऑफ स्पिन करते हैं, अपनी टीम को चैंपियनशिप भी दिलाया था जहां तक मेरे को याद है, कुछ साल पहले की बात है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, एसेक्स के थे कि मैं उतना डिटेल में नहीं गया हूं, बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे, आपको मदद मिलेगा। डैनियल लॉरेंस काफी बड़े हिटर हैं, काफी अच्छा खेलते हैं, मैच्यू क्रिसली भी काफी मोटा मारते हैं काफी, तो इनकी टीम पहले ही अच्छी हो गई। इनके मिडिल ऑर्डर टॉम वेस्ले उठा लीजिए, सब अच्छा खेलते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम, अच्छी बैटिंग लाइनअप हो गई। और देख लेते हैं इनकी बॉलिंग में, तो ये सब ठीक ठाक बॉलर हैं, जेमी पोर्टर ठीक है, सेंस नेटन नेदरलैंड से हो गए, तो बॉलिंग उतनी कुछ खास नहीं लग रही, बट बैटिंग अच्छी है, चेस करके दे सकते हैं, इनके पास काफी अच्छे बैट्समैन हैं जो मैच विन करके दे सकते हैं, ठीक है।
अब अगर कोई अननोन प्लेयर अगर उभर जाए तो वो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, क्योंकि इतने सारे प्लेयर को देखने का किसी के पास टाइम भी नहीं होता। कोई अच्छा करेगा तो अपन देखेंगे, ठीक है। जो प्लेयर का नाम मैं नहीं बता रहा, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना उस पर, ठीक है। जैसे ये सबको जानता हूँ, स्टोनमैन वगैरह, पर अब ये सब बूढ़े हो चले हैं, मारेंगे कि नहीं नहीं मालूम। पहले बहुत मोटा मारते थे, ठीक है। स्टीवन स्नेल जी भी ठीक ठाक है, सैम रॉबसन भी ठीक ठाक प्लेयर, रायन हिगिंस अच्छे हैं, इधर भी रन बना रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इथन ब्रेम्बर का नाम याद रखिएगा, बट टी20 मटेरियल है कि नहीं नहीं मालूम। टी20 टेस्ट में काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। टीम मर्टगज की भी वही टेस्ट मैच टाइप के बॉलर हैं, तो एकदम बेकार टीम लग रही है, कुछ खास नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। ना बॉलर समझ आ रहा, ना बैट्समैन समझ में आ रहा, बट इनकी टीम कहीं ना कहीं जीत जाती है। मिडिल सेक्स की टीम में क्या है ना, थोड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो कहीं ना कहीं डिफेंड करके आपको दे देते हैं। मैंने कहीं जैसे टॉम हेल्म टी20 एक्सपर्ट बॉलर है, ठीक है, वो मीडियम पेस टाइप की बॉलिंग करता है, ये भी ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है, तो ओवरऑल ओके टीम है, बट मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता इन सब के ऊपर। जो मालूम है वो बताता हूँ आपको। ग्लुक शायर की टीम देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जफर गोहर का नाम याद रखिएगा, ये लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, काफी अच्छी बैटिंग करता है, मैच विन करके देता है, ठीक है। पॉल वी मकीरन भी आपकी अच्छी बॉलिंग करेंगे, और नीचे में छक्का चौका मार के जैसे नेदरलैंड्स के खिलाफ भी, नेदरलैंड्स के ही प्लेयर हैं, उन्होंने मैच विन करा के दिया है आपको काफी बार। मर्चेंडी लेंगे का नाम याद रख लो, ठीक है। ये बंदा काफी तेज बॉलिंग करता है, तो बॉलिंग से तो उम्मीद नहीं है, बट बैटिंग में समरसेट में आखिरी आखिरी नंबर पर आके बहुत मोटा मारता था, तो ये सब मैच विन करा सकते हैं आखिरी में। जैसे ये सब मैं कुछ चीज़ आपको ऐसा बोलूंगा जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन समझ में आएगा। मान लो पॉल मैन मकीरन जफर गोहर और आपके मर्चेंडी लेंगे खेल रहे हैं, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, इनकी टीम चेस करने को आ गई और कहीं ना कहीं इनकी बैट बच गई है, हालत खराब हो गई है, एकदम फटाफट सब नहीं खेल पाया, तो आखिरी के तीनों में 40 रन चाहिए। अभी भी आप देख रहे हो जफर गोहर बचा है, इसके बाद पॉल वी मकीरन आने वाला है और मर्चेंट डी लेंगे आने वाला है, आप रिस्क उठा लो, क्योंकि ये तीनों में कोई भी एक प्लेयर टिक जाएगा तो मैच विन करा देगा। तीनों में सिक्स सेटिंग कैपेबिलिटी है, तो वो बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सिक्स सेटिंग कैपेबिलिटी किस किस प्लेयर के पास है, और ऐसा चीज आपको तब समझ आएगा जैसे आपको जो मेरे को फॉलो करते हैं ना। नेदरलैंड्स के लिए मैंने बोला था एक जो प्लेयर था आपका वो सिक्स मार लेता है, और सामने से दूसरे क्लासेन ने सिक्स मार लिया, वो पूरी बॉल नहीं खेल पाया, और वो मैच कितना मोटा उड़ा था, एक बॉल पर छक्का लग जाता तो बंद डिब्बा उड़ जाता है ना, तो ये सब बात है, ठीक है। आइए इसको देखने, नॉटिंगहमशायर वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर, मतलब इनके पास स्टार्ट में आके एक टाइम था कि बस बॉलर्स डरते थे इनकी बैटिंग के सामने, जैसे एलेक्स हेल्स, ठीक है, बेन डकेट तो बहुत मोटा मारेगा, कॉलिन मनरो, जो क्लार्क, ये भयंकर टीम है, मतलब पहली पावर प्ले में खत्म कर देती है। आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने कुछ प्लेयर का बॉल नॉट रनियस दिया था, IDW ने दी थी, सब पास जा रहा था मेरा। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ देखिए उतना डिटेल में नहीं बोल सकता, यहाँ एक बेसिक तरीके से बोल सकता हूँ, और आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। स्टेवन मुलेलाली इनके कैप्टन है, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, ये भी ठीक ठाक खेलता है। पैटरसन वाइट भी ठीक ठाक प्लेयर है, ब्रेड हटन ठीक ठाक प्लेयर, तो इनके पास समित पटेल है, ये सब एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। जेक बॉल, ओली स्टोन, ठीक है, शाहिन शाफरीदी को इन्होंने लिया है, तो काफी विकेट लेके देंगे। डेन पैटरसन का नाम याद रखिएगा, ये डिफेंड बॉलर है, अगर बॉलिंग करते हैं तो हमेशा विकेट लेते हैं, तो ये टीम एकदम परफेक्ट टीम हो गई। बैटिंग में मोटा मार के दे रहे हैं, बॉलर में अगर शाहिन शाफरीदी, डेन पैटरसन खेल रहे हैं, ओली स्टोन खेल रहे हैं, ओली स्टोन के ऊपर उतना भरोसा नहीं है, बट ठीक है, समित पटेल थोड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये वाली टीम आपको डिफेंड करते हुए मिल जाएगी, चेस करते हुए मिल जाएगी, और आगे जाते हुए मिलेगी नॉटिंगहमशायर की, ठीक है। एक बार देख लें कौन कौन खेल रहा है, केंट की टीम लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर चैंपियन थी, शायद लास्ट ईयर कुछ नहीं कर पाए, तो यही ड्रामा है इनका। टीम में कोई कमी नहीं है, जॉर्डन कॉक्स उठा लीजिए, जैक क्रॉली, एलेक्स ब्लेक अच्छा प्लेयर है, ये शायद वहाँ भी खेला है जिम्बाब्वे टी20 में, नेपाल टी20 में खेला है, ठीक है। लेफ्टी बैट्समैन अच्छी बॉलिंग भी करता है, ये भी ठीक ठाक प्लेयर है। बैंक कॉन्टन तो थोड़ा टेस्ट मैच टाइप का प्लेयर है, सैम बिलिंग्स को आप जानते हो, जो डेनी, जो एविशन ऑलराउंडर, जॉर्ज लिंडे वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, वो तो साउथ अफ्रीका वाले प्लेयर अपने टीम को, अपने प्लेयर को खराब करते हैं, पता नहीं इतना बढ़िया बैट्समैन है, इतना बढ़िया बॉलर है, आप देखना इसका प्रदर्शन, ठीक है। तो जैक लिनिंग अच्छा खेलता है, ग्रांट स्टुअर्ट बहुत मोटा मार के देता है, कुछ प्लेयर के नाम मैं जो बोल रहा हूँ बहुत मोटा मारता है ना, आप लिख लो कॉपी पेन पे, ठीक है। मुयाये भी ठीक खेलता है, लास्ट ईयर इन्होंने काफी काफी रन भी बनाए हैं, फ्रेड क्लासन डिफेंड बॉलर है, लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर है। माइकल होगन भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है। जसकरण सिंह तो UAE का प्लेयर है, ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है ऑलराउंडर है, बैटिंग बैलिंग दोनों करता है, इसका सिलेक्शन होना काफी अजीब बात है। केन रिचर्डसन आपको डिफेंड करते हुए मिलेंगे, कादरी भी अच्छे स्पिनर है जहाँ तक मेरे को याद है, तो ओवरऑल एकदम टॉप टीम, ठीक है। केंट की टीम डिफेंडर टीम है, इनकी चेस भी ये कर सकते हैं, तो इनको हल्के में किसी को नहीं लेना, ठीक है। आइए हमशियार की बात करते हैं, तो इस साल इसके साथ रहना है आपको, ठीक है। एक एक प्लेयर का नाम उठा के देखते हैं जो मेन प्लेयर हैं, ठीक है। जेम्स विंस वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर जो मैं समझता हूँ, आने वाले दो तीन साल में आपको पता चल जाएगा। बेन मैकडरमॉट, ये दोनों अगर ओपन करेंगे तो कुछ और चाहिए ही नहीं, ठीक है। फ्लेचर मिडलसन का प्रदर्शन अच्छा रहा है इधर बीच। लियाम डॉसन, स्कॉट करी का नाम याद रखिए, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, काफी विकेट लेकर देते हैं, रन भी बनाते हैं। जेम्स फुलर मोटा मार के देते हैं और अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, लंका प्रीमियर लीग में भी खेला है, हर जगह इन्होंने खेला है, ठीक है। इयान हॉलैंड ये UAE के हैं, ठीक है, पहले यहीं पर अच्छा प्रदर्शन किया, UAE में जाकर अच्छा खेल, UAE नहीं, USA, लास्ट प्लेयर भी जो मैंने बोला ना जसकरण सिंह, वो भी USA का होगा, ठीक है, UAE मेरे मुंह में आ गया, ठीक है। बेनी होवेल मीडियम पेसर ऑलराउंडर, एंड में मोटा मार के देते हैं आपको, सिंगल डबल लेते रहेंगे, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी सिलेक्शन हुआ था, मैंने आपको बताया था। रॉस वाइटली अच्छा खासा मार सकते हैं, लेफ्ट आर्म के बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर भी हैं। काइल अबॉट, पता नहीं साउथ अफ्रीका वालों ने निकाल दिया वरना, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, आखिरी में यॉर्कर यॉर्कर मारते हैं। कीथ बार्कर लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्टी बॉलर, लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर। मेसन क्रेन ये बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलर में लिखा है, बड़े बैटिंग ऑलराउंडर है। मेसन क्रेन लेग स्पिनर है, विकेट वगैरह लेके दे सकते हैं। ब्रैडली व्हील आपके स्कॉटलैंड में खेलते हैं, अच्छा फास्ट बॉलर है, लास्ट ईयर काफी विकेट है। नैथन एलाइस को तो भाई आपको याद होगा, यही बंदे ने फाइनल जिताया था ना, आखिरी ओवर में बॉलिंग करके जो नो हो गई थी, फिर बैट्समैन को दोबारा बुलाया जाता। अभी ये पंजाब में भी है, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट फास्ट बॉलर, टी20 एक्सपर्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। बैटिंग भी कर लेता है, पर पंजाब वाले पता नहीं इसको तो एज अ इंपैक्ट प्लेयर यूज करें, बल्कि बढ़िया बढ़िया बैट्समैन भी है बंदा। क्रिस वुड, ठीक है, क्रिस वुड इंग्लैंड वाला है कि नहीं, मेरे को ऑस्ट्रेलिया वाला है कि नहीं, नहीं याद आ रहा है, बट ये टीम बेस्ट है। और हेम्पशायर के साथ आपको मेरे ट्रिक के हिसाब से रहना है, 14 में 14 मैच आपको इसके साथ रहना है, बस सीधी सी बात। अब आप पर्सनली खेलो तो, बाकी मेरे से क्या होगा मैं आपको बताऊंगा।
लैंकशायर, शायद इसी का फाइनल हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, लैंकशायर की लैंकशायर थी पता नहीं। इसकी टीम देख लेते हैं, डैन विलास काफी अच्छे क्रिकेटर हैं, T20 एक्सपर्ट, जॉस बटलर खेलेंगे तो भैया मेरे को कुछ नहीं, फिलिप चौल जहाँ मोटा मार के देंगे, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, इंडिया में भी एक मैच अच्छा खेला, बट इनको 14 के 14 खेला तो एक भी मत खिलाओ, ये ऐसे क्रिकेटर हैं जो अपने दिन पे बैंड बजा देंगे सामने वाले की, ठीक है। कीटन जेनिंग्स अभी बहुत हेवी रन बना के आ रहे हैं, लेफ्टी बैट्समैन है, कप्तान भी दिख रहे हैं, बहुत क्लास क्रिकेटर, ठीक है। ल्यूक वेल्स ओपनर बैट्समैन है, ऑफ स्पिन भी करते हैं, ODI के एक्सपर्ट हैं, ODI तक फाइनल सेमीफाइनल तक इन्होंने इसी ने रोल अदा किया था। स्टीवन क्लॉक बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, ल्यूक वुड, जो वाला वुड नहीं, ये ल्यूक वुड लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर है, इधर नाम क्यों आया पता नहीं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। जोस बॉनन बहुत अच्छा खेलते हैं, रॉयल मिचेल वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर जिनका IPL में सिलेक्शन होना चाहिए था, लियम लिविंगस्टोन आप जानते ही होंगे, ठीक है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि न्यूजीलैंड वाले से अब हट गए हैं, बट अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग दोनों करते हैं। टॉम बेली ऑलराउंडर है, नीचे में बहुत बड़ा हिट कर सकते हैं, अभी हाल ही में इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है इनके, विल विलियम्स पहले शायद ये उधर न्यूजीलैंड में खेलते थे, मीडियम पेसर है, डिफेंड करा सकते हैं। रिचर्ड ग्लेसन ने सबसे हेवी विकेट लिया था लास्ट ईयर, एस्पिन वॉल भी ठीक ठाक, मैथ्यू पार्किंसन, दो पार्किंसन है इसके पास, ठीक है, एक लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, एक जो जिम्बाब्वे में सिलेक्शन हुआ था वो मैंने बोला था ये बंदा जिता देगा, तो ये कौन सा पार्किंसन है मेरे को नहीं मालूम, दोनों अच्छे हैं, दोनों विकेट टेकर है, दोनों अच्छे हैं, ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम जो जितना मैंने अभी देखा है, ठीक है, बैटिंग बॉलिंग उठा के देख लो, वन ऑफ द बेस्ट टीम। वार्विकशायर सैम हेंस बहुत अच्छे फॉर्म में है, और एलेक्स डेविस भी ठीक ठाक प्लेयर हैं, ये सब उतने बड़े नहीं हैं, विल रोड्स ओके ओके प्लेयर हैं, मोइन अली को आप जानते ही हो, डैन मॉसली लास्ट ईयर अच्छा बैटिंग किए हैं, ऑलराउंडर हैं इनका, उधर भी सिलेक्शन शायद हुआ था D20 लायंस करके जो था, और इसके अलावा तो क्रिस वोक्स आपको काफ़ी विकेट लेते हुए मिलेंगे, फिटनेस इशू रहता है इनका। ओलिवर हैनन डेल भी ओके ओके क्रिकेटर हैं, जेकब लिकेट का नाम याद रखिएगा, चाइना मैन स्पिनर है, आपको बहुत कम चाइना मैन स्पिनर दिखेंगे इंग्लैंड में, तो इसीलिए इसको खेलना बहुत मुश्किल होता है, हर साल ये विकेट लेता है, रन भी बना सकता है, पर विकेट टेकर है, ये मैच विन करा के दे सकता है अपनी बॉलिंग से, 6 ओवर के बाद आएगा क्रिस रसवादी था तो टेस्ट मैच के बॉलर है और अच्छा विकेट लेके आ रहा है हसन अली को आप जानते हो, बाकी ओके ओके क्रिकेटर है, ठीक है, तो इट्स एन ओवरऑल डिसेंट टीम जो कि कुछ प्लेयर्स पर डिपेंड करेगी। डर्बी की टीम देख लेते हैं, हैदर अली अगर खेलेंगे तो अच्छी बात है, बिली गोल्डमैन थोड़ा तेज खेलते हैं, बाकी तो टीम में दम नहीं, लुइस रीस ओपनर हैं, अच्छी बैटिंग है, वेन मैटसन आपको रन बना, लुइस डिप्लॉय काफ़ी अच्छी, तो दो तीन प्लेयर इनके अच्छे हैं जो शुरू में ही आते हैं, ठीक है, बाकी टीम कोई खास नहीं, सुरंगा लकमल विकेट लेके दे सकते हैं, बाकी तो बेकार टीम लग रही है, ठीक है। जमान खान अगर खेलेंगे तो डिफेंड बॉलर हो सकते हैं जो थोड़ा मलिंगा टाइप की बॉलिंग करते हैं, ठीक है। मार्क वॉट तो ये हो गए डिफेंड टीम, ठीक है, दो अच्छे बॉलर मेरे को दिखने चाहिए अगर ये दोनों खेलेंगे। देखो अगर लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर आप T20 में उठा रहे हो ना स्पिनर, मैं समझता हूँ मार्क वॉट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है, सेम मैं एस्टन ईगर को बोलता हूँ, बट एस्टन ईगर से भी ऊपर मैं इनको आता हूँ। मार्क वॉट ये स्कॉटलैंड के क्रिकेटर हैं, ये पीछे से भी बॉलिंग करते थे, ऐसे स्पिनर भी ये पीछे से ही बॉलिंग करते थे अंपायर के पीछे से, इनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है और ये स्पिन अच्छा करते हैं, काफी मैच जीता है स्कॉटलैंड को, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, बट ये मेन चीज है कभी इनको कोई लेगा नहीं, बिकॉज क्यों, बिकॉज ये स्कॉटलैंड के क्रिकेटर है, बल्कि इनसे बेस्ट लेफ्ट आर्म का स्पिनर आपको दिखेगा नहीं, और अगर जमान खान और ये खेलते हैं कहीं से भी मैच चेंज कर देंगे, ये बात याद रखेगा मेरी इस बात को, अगर दोनों खेलते हैं तो, और मार्क वॉट का प्रदर्शन आप देख लीजिएगा जिस प्लेयर का नाम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए टीम तो खत्म होगी ही नहीं, फटाफट देखते हैं ये कौन है, एलेक्स लीज तो देखिए काफी टेस्ट मैच की टाइप की बैटिंग करते हैं, बहुत लंबे करते हैं पर T20 में मार के भी देते हैं, ठीक है, बैटिंगम भी अच्छे क्रिकेटर हैं, बेन रेन मोटा मारते हैं, बेन स्टोक्स का तो मैं नाम ही नहीं पढ़ना चाहता, बस डिलीडे देखिए नेदरलैंड्स के बहुत अच्छे प्लेयर, 21-22 साल का लौंडा है, सिंगल डबल अच्छा खेलता है और बॉलिंग करता है तो काफी विकेट लेता है, आखिरी में इसको बॉलिंग करने का तरीका मालूम है, 14 से लेकर 20 ओवर तक काफी विकेट लेके देगा, आप देखिएगा इट्स अ डिफेंड बॉलर को भी आप पकड़ सकते हो। ब्रैडन कार्स भी डेब्यू तो कर चुके हैं ना इंग्लैंड के लिए, ODI में जो पाकिस्तान के साथ हुआ था जहां तक मेरे को याद है, ठीक है, बाकी ये सब ओके ओके क्रिकेटर में कुछ खास नहीं है। मार्क वुड शायद ही खेलेगा, चोटिल रहता है अगर खेलेगा तो अच्छी बात है, ठीक है, और ओली रॉबिन्सन ये वही प्लेयर है तो शायद ये अंदर की तरफ जो बॉल घुसाते हैं, अभी पाकिस्तान क्लब काफ़ी विकेट इन्होंने लिया, टेस्ट में भी शायद 7 विकेट लिया है, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। ब्रेंडन ग्लोवर नेदरलैंड्स के फास्ट बॉलर हैं और मैंने बोला भी था बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं और यहाँ भी आपको विकेट लेते हुए मिलेंगे और मैच विन करते हुए मिलेंगे, ठीक है। ओवरऑल इट्स अ डिसेंट टीम, कुछ खास नहीं है, ये वाली टीम तो एकदम रद्दी है, पहले नाम से ही मेरे को मालूम है, ठीक है। क्रिस लिन हालांकि फॉर्म में है, बाकी सब बेकार क्रिकेटर हैं, किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है, सब रद्दी 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 आप ऐसे ही मान लो, ठीक है, ये पता नहीं कौन कौन क्रिकेटर है। जोशुआ कॉब लास्ट ईयर कप्तानी कर रहे थे शायद 100 में, ना बैटिंग पकड़ने आती ना बॉलिंग करने आती, ठीक है। डेविड विलियर्स साल कप्तान है, काफ़ी अच्छी बात है, ये विकेट भी लेके देंगे और अब शायद ये ऊपर में बैटिंग करने आएंगे, ठीक है, बाकी तो टीम एकदम रद्दी है, ठीक है, सीधी बात कुछ नहीं है टीम में। लैंकशायर ठीक है, ये नहीं तब पहुंचे होंगे, ठीक है। वियान मुल्डर साउथ अफ्रीका ने फिर इनको खराब करेगा, ठीक है, आप देखिएगा यहाँ लास्ट ईयर ODI में एंड तक लेके गए थे टीम को, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे बॉलर, ऋषि पटेल भी नहीं, ऋषि पटेल नहीं, स्कॉट स्टिल भी ऑलराउंडर हैं, क्रिस राइट, रेहान अहमद, देखिए दो अच्छे प्लेयर हो गए, रेहान लेग स्पिनर है और ओपन भी करने आए थे D20 लाइन वाले में और यहाँ पर भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, ठीक है। कॉलिन एकरमैन अच्छे क्रिकेटर हैं और साउथ अफ्रीका वाले हैं, ये नेदरलैंड वाले हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। लुइस किम्बर भी ठीक प्लेयर, नवीन ओला के साथ डिफेंड बॉलर, ठीक है, काफी अच्छी बॉलिंग करके आपको देंगे, मैच विन करा के देंगे, ठीक है। और कैलम पार्किंसन, दो पार्किंसन का नाम लिया, देख लीजिएगा कौन लेग स्पिनर है, कौन ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, दोनों अच्छी बॉलिंग करते हैं, दोनों बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो ये डिफेंड टीम हो गई, मैंने पहले आपको बता दिया, अगर इस टीम में मैं देख रहा हूँ वियान मुल्डर खेल रहे हैं, नवीन उल हक खेल रहे हैं आपके, कैलम पार्किंसन खेल रहे हैं, ठीक है, रेहान अहमद खेल रहे हैं, मैं इनको डिफेंड टीम मानूंगा, ठीक है। ससेक्स की टीम देख लेते हैं, टॉम हेंस कुछ खास नहीं है टीम, रवि बोपारा काफी मैच जिता के देते हैं, आखिरी में बहुत अच्छा बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, ये सब तो खेलने नहीं वाले हैं, ठीक है। बाकी टीम में कुछ नहीं, शादाब खान खेलेंगे तो मैच विन करा के आपको देंगे। डेलन रॉलिंस भी इनके अच्छे क्रिकेटर, ऑलराउंडर है, शायद लेफ्ट आर्म के स्पिनर और बैटिंग अच्छी करते हैं, ठीक है।
ये भी ठीक ठाक प्लेयर हैं। इन सबका नाम मालूम है, कुरी, ब्रैडली कुरी है, या शायद स्कॉट कुरी का नाम मैंने आपको लिया था, ये दूसरे हैं, बाकी टीम उतनी कोई खास नहीं है। ठीक है, एक बार एक प्लेइंग 11 आने दीजिए ना, उसके बाद आपको बनाऊंगा। ऐसे तो मज़ा भी नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि इतने सारे क्रिकेटर, एड पोलाक, बॉल नॉट रिजेंस के हमेशा कैंडिडेट मिलेंगे, आते ही मारते हैं। एडम होस बहुत भयंकर फॉर्म में है, अभी BBL में आपने देखा था, तो ये तो कहीं ना कहीं आपको रन बनाते हुए मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा तो ये ब्रेट ओ डेलेवरिया भी काफ़ी अच्छे क्रिकेटर, मिचेल सैंटनर, CSK ने पता नहीं इनको क्यों नहीं खिला रहे हैं, अगर यहाँ खेलेंगे तो बैटिंग वॉलिंग दोनों से मदद देंगे। एज अ डिफेंड बॉलर माइकल ब्रेसवेल, अगर ये दोनों खेल गए तो बहुत तगड़ी टीम हो गई, क्योंकि माइकल ब्रेसवेल भी बहुत अंडर रेटेड क्रिकेटर है, अभी फाइनली RCB ने मौका दिया, बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग में एक थिंकिंग ऑफ स्पिनर है, तो बहुत अच्छी टीम हो जाएगी अगर ये दोनों खेलेंगे तो। ठीक है, जॉश टंग बहुत तेज फेंकते हैं और कहीं ना कहीं विकेट वगैरह निकाल लेते हैं। पैट्रिक बाउन T20 मटेरियल मैं इनको मानता हूँ, अच्छी बॉलिंग करते हैं और कहीं ना कहीं इनको खिलाया नहीं जाता, बट बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो अगर ये चारों अगर क्रिकेटर खेलते हैं तो अनदर डिफरेंट टीम, बैटिंग में बहुत भयंकर भरोसा नहीं कर सकते, नीचे में इनके प्लेयर मैच विन करा सकते हैं। ठीक है, और बॉलिंग तो इनकी बहुत अच्छी है, तो अगर ये सब खेलते हैं तो, अब नहीं कोई खेलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट अगर आप देख रहे हो पहली बैटिंग कर रहे हैं, इनके पास सैंडनर भी है, ब्रेसवेल भी है, पैट्रिक ब्राउन भी दिख रहे हैं, डिफेंड पकड़ लेना आपका काम बन जाएगा। ठीक है, समरसेट वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ आप बोल सकते हो इंग्लैंड के। ठीक है, इनके सारे प्लेयर कहीं ना कहीं आगे चल के नाम कमा लेते हैं, विल समित का नाम देख लो आप। ठीक है, टॉम बेंटन इधर भी थोड़े इधर हो गए, बाकी कैनन बैनक्रॉफ्ट आप जानते हो, टॉम कॉलर, क्रेडमोट, BNR वाई, बॉल नॉट रिजेस्ट कर सकते हो, बेन ग्रीन का नाम याद रखिएगा, मेरा फेवरेट क्रिकेटर, लास्ट ईयर 1 पैसे का जैकपॉट उड़ाते उड़ाते रह गया था। ODI की बात करो, बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी करता है, एक जैकपॉट इसने उड़ाया भी था 3 पैसे का, वो मैंने दिया भी था, मेरे को आज भी याद है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है। ठीक है, और इनकी टीम यही है, आखिरी में जैकपॉट दे देगी, आखिरी में कुत्ते की तरह लोग मारेंगे आप देखोगे। इनके सारे बैट्समैन एंड तक है, ल्यूक जॉगरी उठा लो, बैटिंग ऑलराउंडर क्रेग रॉबर्ट बहुत मोटा मारता, रूल ऑफ एंड मवा उठा लो। ठीक है, मैट हेनरी बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा करता है, जॉर्ज डेवी, जैक लीच भी ठीक क्रिकेटर है। ठीक है, तो इनकी टीम एंड तक है, बैटिंग टॉम एवल अच्छा खेलता है, तो इस साल ये कहीं ना कहीं आपको रेट भी नहीं को सपोर्ट करता है, टीम अच्छी है, इस साल थोड़े प्लेयर मेरे को कम दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये दोनों से आपको मदद मिलेगी। ठीक है, इनके साथ रहिएगा, आपका काम बनेगा। ठीक है, एक मिनट जाइए, तो ये हो गया समर सेट, अब सर्रे, ये भी बहुत अच्छी टीम है, ये आपको जैकपॉट देती है, इनके अगेंस्ट रहना बहुत बेवकूफ़ी होती है, बट कहीं ना कहीं पूरा रेट इनको सपोर्ट करता है। ओली पोप, आप इनके सारे प्लेयर को जानते होंगे, जेसन रॉय, सब बड़े क्रिकेटर हैं। ठीक है, टॉम लैथम का सिलेक्शन अच्छा है। ठीक है, रॉरी बंस भी कहीं ना कहीं आपको रन अगर खेलेंगे तो बेंच वोक्स है, लॉरी इवेंस पता नहीं इनको पर्थ ने शायद निकाल दिया था, क्या हुआ था, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत रन बना के देंगे। विल जैक्स मेरा फेवरेट क्रिकेटर, इसके अलावा आपके सैम करन, सुनील नारायण, तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है, इसमें मैक्सिमम लोग खेल लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्रिस जॉर्डन को कप्तानी दे दी गई, ये थोड़ी अजीब बात है, हालांकि डोमेस्टिक में खेल लेते हैं पर इंटरनेशनल वगैरह बाकी लीग्स में गस अकिस्टन ने काफ़ी विकेट दिया है। ठीक है, तो री स्टोपली उठा लीजिए, तो एकदम परफेक्ट टीम है, मेरे को देखना नहीं है ना कुछ करना है, कितना भी रन चाहिए चेस करके देते हैं और डिफेंड करते टाइम कितना भी डिफेंड करते हैं, क्योंकि इनके पास जो ये जो ऑलराउंडर्स में है ना, सब टॉप क्लास क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब ये फाइनल टीम होगी, ठीक है, यॉर्कशायर की, तो देख लेते हैं, जो रूट खेलेगा तो जो रूट रन बना के देगा, अगर आपको T20 नहीं मालूम, हालांकि ये एशेज वगैरह खेलेगा, डेविड मलान का तो टेस्ट में तो सिलेक्शन होने नहीं, हाँ ये खेलते मिलेंगे, हैरी ब्रुक भी काफ़ी अच्छे क्रिकेटर, शान मछूद ने रन बनाया है, और ये कप्तान भी है, जॉनी बेस्टो हो गए आपके। ठीक है, इसके अलावा एडम लिथ का बॉल नॉट, ठीक है, एक और इसके साथ जो ओपनर आता था मेरे को याद नहीं आ रहा है, दो प्लेयर ओपन आते थे, मैं दोनों का नॉट लेता था, क्या नाम है, न्यूजीलैंड का जो एक ओपनर है, इनको टीम से ही सब निकाल दिए, क्योंकि मेरे को ओवर हाइप लगता था, कप्तान को निकाल के उनको लिया गया था, अब नाम हम तो देखिए नाम है, अभी तुरंत क्लिक नहीं करता है ना, वो जो ओपनर है न्यूजीलैंड का जो हमेशा बॉल नॉट हो जाता है, तो ये तो बॉल नॉट का कैंडिडेट, प्योर कैंडिडेट है, एडम लिथ बॉल नॉट रनियस या ओनली बॉल नॉट। ठीक है, आते ही मारेगा, इनके साथ ओपन कौन करेगा मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, आदिल रशीद आपको विकेट लेते मिलेंगे, डॉम बस आपको विकेट लेते मिलेंगे, ऑफ स्पिनर है, और इसके अलावा तो टीम अच्छी है, इनकी बैटिंग काफी स्ट्रॉग है, बॉलिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉग मैं नहीं मान रहा हूँ, बट बैटिंग इनकी काफी स्ट्रॉग है और एक अच्छी टीम है। तो देखिए मैं इस तरीके से ही खाली फटाफट आपको बताया हूँ कुछ जो मेरे को मालूम था, मैंने कुछ बेसिक चीज आपको बताई स्टार्ट में, सब कुछ अगर आप सुनोगे और कहीं ना कहीं को थोड़ा खुद से करने का ट्राई करोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक बार मैं प्लेइंग 11 देख लूँ, हो सकता है एक और वीडियो बना दूँ, सारी टीम का एक एक मैच हो जाने दिए, उससे समझ में आ जाता है, बिकॉज फिर वो खाली SS के टाइम पे पूरा SS चलेगा तो वही 15 प्लेयर नहीं खेलेंगे, बाकी तो सब लोग खेलेंगे और वो सब में से ज्यादातर खेलते भी नहीं है, तो एक बार मेरे को प्लेइंग 11 पता चल जाएगा, वही टीम खेलती रहती है तो मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, एक बार प्लेयर का परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, तो बता दिया सारी चीजें, अभी के लिए मैं चलता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। ठीक है दोस्तों।